यहाँ से दाई ओर जाएंगे तो गाइस आप लोग हावड़ा पहुँच जाएंगे और हम लोग दाई ओर ही जाने वाले हैं। और सीधे जाएंगे तो गाइस आप लोग कृष्णनगर पहुँच जाएंगे, और सीधे हम लोगों नहीं जाना, हम लोग दाई ओर जाएंगे हावड़ा की ओर। आज हम चाय पीने पहुँचे बेसिकली हावड़ा में। बाइक चला रहे शामिम और ये कचरे का ढेर देख सकते हो बाई ओर, बहुत बड़ा कचरे का ढेर है। हावड़ा जिला का सारा कचरा यहीं पर आता है। तो गाइस ये हाईवे है बेसिकली, दोनों बाई दोनों साइड बेसिकली हाईवे देख सकते हो। और अभी 6:30 बज चुके हैं और अभी भी बेसिकली अभी भी बहुत सारा लाइट बाकी है बेसिकली, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ। और मैंने बहुत सारे शूट अंधेरा होने से पहले भी कंप्लीट किया था, तो गाइस वो भी मैं लास्ट मिनट अपलोड कर दूंगा। आज मैं कौन कौन हूँ मेरे साथ, तो गाइस मेरे साथ है शामिम जो बाइक चला रहा है, पीछे है आमिनूर, मैं मिडिल में बैठा हूँ और स्कूटी लेके मैं आया हूँ बेसिकली, ये मेरी क्यूटी स्कूटी। और बेसिकली मैं लेके आ चुका हूँ इसको इस बेसिकली खतरनाक मौसम के अंदर ब्यूटीफुल व्यू दिखाने। तो गाइस इस व्यू को मैं आप लोगों के लिए भी अपलोड करूंगा, तो कितना खूबसूरत लग रहा है देख सकते हो। तो गाइस आपने बेसिकली हमारे इलाके का दिखा होगा, आपने खोड़ीबारी का दिखाया, आपको आपको मैंने आमडांगा का दिखाया सनसेट, आज आप लोगों को हावड़ा का सनसेट दिखाते हैं। तो गाइस सनसेट देखो यहाँ से कैसा लग रहा है, तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ज़्यादा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा रात के टाइम में, मेरा तो आईफोन नहीं है इस वजह से। तो गाइस आईफोन बेसिकली मेरे पास नहीं है, मेरे पास नॉर्मल फ़ोन है, इस वजह से थोड़ा सा फोकस कम कर रहा है। लेकिन शामिम के पास आईफोन है और पीछे बेसिकली आमिरों के पास भी अच्छा क्वालिटी का फ़ोन है, इस वजह से उसको उसने भी शूट किया लेकिन उससे लेना मैं भूल गया था। तो गाइस अभी पता नहीं कब लूँगा, तो उससे पहले मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने बोला था शूट करने के लिए और ये पहुंच चुके वो वाला फेमस चाय के शॉप में। हम लोग हावड़ा गए, हावड़ा वहाँ से घूम के वापस आए यहाँ पे। तो गाइस हावड़ा से आप लोग हमारे घर की ओर बेसिकली आधाटा की ओर आते आते, तो गाइस यहाँ पे एक चाय की टपरी मिलती है जो गाइस इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा फेमस है। हम लोग 5 मिनट रुके, 5 मिनट के अंदर पूरा बेसिकली पूरा भर गया था खचाखच। तो गाइस बोल सकते हो ये हम मैं हूँ और ये मैंने 3 बेसिकली चाय लिया है। चाय का एक एक प्राइस है 12 रुपये और पूरा का पूरा बेसिकली मिल्क से बना हुआ है, प्रॉपर मिल्क से। तो गाइस कुछ शूट मैंने सनसेट से पहले किया था। तो गाइस ये फेमस इसको बेसिकली कॉलेज है और ये कॉलेज कहाँ का है, तो गाइस हम लोग जब जा रहे थे उस टाइम का बेसिकली मैंने शूट किया था ये वाला। और ये कॉलेज है बेसिकली आमडांगा का। तो गाइस ये आमडांगा कॉलेज है, आप लोग जानते होंगे, हसनपुर कॉलेज भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और इस कॉलेज को बेसिकली शूट मैंने किया था। तो गाइस मैं आप लोगों को बेसिकली जो सनसेट के पहले के सीन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ बेसिकली मैं जब हम लोग निकले थे कुछ ऐसा सीन था बेसिकली मौसम का। और हम लोग जब बेसिकली ये देखो हम लोग सीधे पहुँच चुके हैं हावड़ा की ओर और यहाँ का मौसम देखो कुछ ऐसा है। तो गाइस यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे लोग भी काफ़ी खराब है। और ये बाईपास रोड है बेसिकली, दोनों साइड रोड है और हम लोग कुछ और की तरफ ही जा रहे हैं बेसिकली। हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और बेसिकली ये रोड आप लोग देख सकते हो काफ़ी जाने माने रोड से। और बेसिकली यहाँ से हम लोग सीधा हावड़ा रोड की ओर जाएंगे और बेसिकली यहाँ का रोड देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है। और आप लोगों के लिए बता देता हूँ चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल मार दीजिए। और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और भी नए नए कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों के लिए हम लोग घूरते हैं बेसिकली इतना रिस्क लेके, बेसिकली आपको जानते हो आप लोग जानते होंगे कितना ज़्यादा रिस्क हो चुका है बेसिकली बाइक लेके बेसिकली इस वजह से इस तरीके हाईवे से घूमना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश होती है और हमारे यहाँ पे बोल सकते हो हर रोज़ ही कुछ सुना सुनने को मिलता है। लेकिन थैंक गॉड ऊपर वाले का सपोर्ट है, तो गाइज ऊपर वाले का दुआ हो, आप लोगों का दुआ होगा तो गाइज हम लोग बेसिकली आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाएंगे। और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिकली वेस्ट बंगाल की शेयर करूँगा जल्द। बेसिकली मैं कॉन्टेंट हिंदी में बना रहा हूँ जो गाइज बाहर से देख रहे हो जो लोग बनते हैं बेसिकली। और ये राइट साइड में सीधा रोड हमारा हावड़ा जाता है। तो गाइस ये रोड पूरा का पूरा आप सीधे जाएंगे तो गाइस ये हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और यहीं से हम लोग गए थे। तो गाइस पिछले जो जितने शूट देखा बेसिकली इससे लगभग 10 किलोमीटर आगे जाके उसका शूट किया और चाय की टपरी यहाँ से लगभग अभी भी 12 किलोमीटर दूर है इस रोड से। तो गाइस इस रोड यहाँ से अभी तो 12 किलोमीटर जाने के बाद वो चाय की टपरी आएगा। तो गाइस ये बेसिकली बहुत ही बाईपास रोड है बोल सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है और काफ़ी खूबसूरत है। जहाँ पे बेसिकली आमला की रोड बहुत ही ख़राब हो चुकी है देख सकते हो कितना ज़्यादा बेसिकली वहाँ पे अभी गड्ढा वगैरह हो चुका है, लेकिन यहाँ का रोड काफ़ी खूबसूरत है। और पिछली कुछ दिन पहले हम लोग नोदिया गए थे, वहाँ का रोड भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये चाय का टपरी आप लोग अभी क्रॉस किया। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ और उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे यहाँ पे। तो गाइस
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल मार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।